आपको पता है आजकल 3 साल के बच्चों ने भी सिगरेट पीने शुरू कर दिए, वो भी दिन की मिनिमम 10-10। अरे पॉल्यूशन ही इतना है कि छोटे बड़े सब सिगरेटें फूंक रहे हैं। ये तो अब हर साल का ही रोना है। वैसे आई थिंक हमें भी अब ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, COPD इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि सरकारों की तो बस की नहीं है इट सीम्स टू टैकल दिस प्रॉब्लम। अदरवाइज इतने सालों में कुछ तो हुआ होता। 50 का AQI सेफ माना जाता है, और सर्दी के मौसम में हर साल यहां AQI एवरेज 400-500 तक कम से कम जा रहा है। कैन यू इमेजिन हम किस तरह की हवा में सांस ले रहे हैं? वैसे इमेजिन करने की क्या जरूरत है, आंखों में जलन, सीने में जुबन, गला खराब, वी आर ऑल एक्सपीरियंसिंग दैट। आई थिंक पॉलिटिशियंस वेट कर रहे हैं कि कुछ टाइम में हम सब म्यूटेट कर जाएंगे और ये प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। मतलब स्टेट और सेंटर में एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज होने के बावजूद यहाँ सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब हमें घर में भी मास्क पहनने पड़ रहे हैं, तब जाके कहीं कुछ क्राइसिस मैनेजमेंट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को मीटिंग करने को कहा विद दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट्स टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी ऑन पॉल्यूशन। मीटिंग में रेकमेंड किया गया टू रेगुलेट ट्रैफिक एंट्री इन दिल्ली, शटिंग डाउन द बदरपुर पावर प्लांट, स्टॉपिंग diesel gensets except for emergencies and hiking the rate of parking tickets by 3 times to deter people from traveling unnecessarily. ye unnecessarily kaun travel karta hai be? anyway iske alawa delhi mein school band kar diye gaye, construction rok di gayi, government employees ko work from home de diya gaya. agar supreme court beech mein na aata to shayad ye bhi nahi hota. usme bhi politics. aap bolti hai city corporations ki responsibility hai mechanized sweeping machines ki jisse sadkon se dhool hatayi jati hai, jis pe supreme court ne fatkar lagayi ki aapke paas bade bade ads ke liye paise hain, but not for this. fir center ne supreme court ko bola ki किसानों के पराली जलाने से सिर्फ 4% पोल्यूशन हो रहा है, स्टेटिंग दैट डस्ट, व्हीकुलर ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री वर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इन फैक्टर्स पर फोकस करने को कहा। इस पर आपके एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के एयर क्वालिटी मॉनिटर सफर की नवंबर 4-14 की रीडिंग दिखा दी, शोइंग द पॉल्यूशन परसेंटेज बाय स्टबल बर्निंग, जिसका एवरेज आता है 31%। उनका कहना था कि 4% के हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। उन्होंने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की एक रीसेंट स्टडी को कोट करते हुए यह भी बोला कि दिल्ली का सिर्फ 30% पॉल्यूशन ही लोकली जनरेट हो रहा है, बाकी का करीब 69% पॉल्यूशन वाज ड्यू टू सोर्सेज इन NCR टाउन्स और नेबरिंग स्टेट्स। लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल को रिजाइन करने को बोल दिया ड्यू टू हिज इनएबिलिटी टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। वैसे व्हाट अबाउट गाजियाबाद, आगरा, नोएडा, वृंदावन? आगरा यूपी की सबसे पॉल्यूटेड सिटी है, इनफैक्ट नॉट जस्ट यूपी, सर्दियों में द होल गैंगेटिक प्लेन गोज थ्रू दिस प्रॉब्लम। एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट 22 ऑफ द वर्ल्ड्स 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज आर इन इंडिया, विद दिल्ली बीइंग रैंक्ड एज द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी ग्लोबली। इंस्टेड ऑफ ऑल पार्टीज एंड गवर्नमेंट्स कमिंग टुगेदर इन solving this life-threatening situation, ye kya kar rahe hain? they are using this failure against each other. some of the leaders even advocated bursting firecrackers on Diwali. isse politics se koi hal to nahi hi niklega. halat itni kharab ho chuki hai, lekin fir bhi apne fayde ke liye sab ek dusre par taale ja rahe hain. according to an analysis by the Delhi Pollution Control Committee, people in the national capital breathe the worst air between November 1 and November 15 every year. doctors ke hisab se isse healthy logon mein bhi asthma-like symptoms aa rahe hain. aims mein there has been a 20% increase in the patients in OPDs and emergencies. viral infections, cold, cough, जो 2-3 दिन में normally ठीक हो जाता है, is lasting for over 10 days to 2 weeks now. headaches and irritability तो common हो गई है हम सब में. children are the worst affected by all of these, increasing their chances to become asthmatic as they grow older. सोचिए जिन्हें actual में asthma है, उनका क्या हाल हो रहा होगा? people are literally suffering, but still there is nothing that is being done. अरे जो commitments की हुई हैं, वो ही नहीं पूरी हो रही हैं इनसे. coal power plants produce toxic mercury, nitrogen and sulfur oxides. 2015 में center ने decide किया था कि 2017 तक power plants में technology से oxides कम किए जाएंगे. stricter emission standards will be compulsory. लेकिन फिर खुद ही सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई फॉर एक्सटेंशन कि इन नॉर्म्स को डाइल्यूट किया जाए, इतनी जल्दी अप्लाई नहीं किए जा सकते. आज 4 साल ऊपर से और हो चुके हैं इस बात को. चाइना ने नई टेक्नोलॉजी 2010 में लगा ली थी, कवरिंग 90% ऑफ द पावर प्लांट्स. ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज नहीं है, लेकिन ये पॉलिसीज आर इधर पोली इंप्लीमेंटेड और आर नॉट इंप्लीमेंटेड एट ऑल. वायलेशंस गो अनचेक्ड, गार्बेज बर्निंग, लीफ बर्निंग, डस्ट कंट्रोल वगैरह वगैरह, ये सब छोटे छोटे ऑफेंस दिल्ली और दिल्ली के आसपास सब जगह होते रहते हैं. गाजीपुर और भलसुआ की लैंडफिल साइट्स में अक्सर आग लगी रहती है. सर्दियों में गांव में उपले जलाए जाते हैं. फिर पुअर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अनदर बिग रीजन. यू नो मेक्सिको यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड. वहां मेट्रो प्राइसेस बिल्कुल कम कर दिए गए टू मेक पीपल ट्रैवल थ्रू दैट इंस्टेड ऑफ कार्स, एंड इट वर्क्ड. यहां क्या हो रहा है, हर साल बिल्कुल एंड में इमरजेंसी मेजर्स लगाकर बैंडेड सॉल्यूशन की टॉपी दे दी जाती है. एक्चुअल में लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं किया जाता. दिस प्रॉब्लम नीड्स अ कंसर्टेड कोलैबोरेटिव एफर्ट बाय ऑल द 5 स्टेट्स. सिर्फ पीक पॉल्यूशन टाइम पर ही नहीं, बल्कि पूरे साल एक होलिस्टिक सॉल्यूशन चाहिए. पीसमील अप्रोच नहीं चलेगी, नहीं तो हर साल की यही कहानी रहेगी और हालत बद से बदतर होती जाएगी. आपको क्या लगता है, क्या कुछ बदलेगा या ये पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स ही खेलते रहेंगे? टेल मी इन द कमेंट्स बिलो एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल.